सलाम दोस्तों, मेरे से एंड यू वाचिंग एग्जैक्ट स्ट्रीमिंग चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम XML DVRs को जो है वो कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और उस DVR का लाइव व्यू जो है वो आप अपने मोबाइल पर जो है वो कैसे ले सकते हैं। इससे पहले मैं HiveVM DVR से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि आप HiveVM के DVR को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और उसका व्यू जो है वो अपने मोबाइल पर जो है वो कैसे लाइव ले सकते हैं। दोस्तों HiveVM के मुकाबले में XML DVR को ऑनलाइन करना काफी इजी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। आपने जस्ट एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर जो है वो डाउनलोड करनी होती है और कुछ सेटिंग्स जो होती है वो DVR पे करनी होती है। DVR की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अब DVR की स्क्रीन की तरफ, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हम कैसे XML DVR को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने इसमें XML एप्लीकेशन को जो है वो सर्च करना है। XML एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लोगे। मेरे ऑलरेडी ये एप्लीकेशन मोबाइल पर इंस्टॉल है तो इसीलिए ये अनइंस्टॉल और अपडेट की जो है वो ऑप्शन शो कर रहा है। XML एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के बाद हम DVR की स्क्रीन की तरफ आते हैं। मेरे इस टाइम जो है वो 4 चैनल XML DVR जो है वो ऑन है। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके मेन मेन्यू में जाऊंगा। हो सकता है मेन मेन्यू का जो आउटलुक है वो आपको आपके DVR का जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। उसमें आइकॉन्स इस DVR से डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें आपने नेटवर्क की ऑप्शन को जो है वो सर्च करना है। अच्छा, अगर तो आपको अपने नेटवर्क का IP और सबनेट मास्क गेटवे वगैरह मालूम है तो आप उसको मैनुअली जो है वो इसमें इंटर कर दोगे। अगर आपको अपने नेटवर्क का IP वगैरह सीरियल जो है वो IP क्लास जो है वो मालूम नहीं है तो आप DHCP इनेबल करोगे और DHCP इनेबल करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। याद रहे कि ये सारी सेटिंग करने से पहले आपने अपने DVR को LAN केबल के साथ जो है वो अपने मॉडम या राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है। DHCP ऑन करने के बाद आप एक दफ़ा DVR को रीस्टार्ट करवा लें तो बेहतर होगा। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और गाइड की ऑप्शन में जाना है, ठीक है। मेरे ये सेकंड नंबर पर शो हो रही है, आपके हो सकता है कि ये ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है आपके DVR में। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और अगर आप इसमें टाइम की सेटिंग वगैरह करने चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ये नेटवर्क को टेस्ट करने की एक आपको ऑप्शन देगा जिसको आप रीट्राई पे क्लिक करके टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अभी जो है वो स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आपने आगे आपके 2 जो है वो सीरियल कोड QR कोड जो है वो शो हो रहे होंगे। एक एप्लीकेशन का कोड है और एक सीरियल नंबर का कोड है। आपने अपने मोबाइल पर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी आपने वहां से सीरियल कोड को जो है वो स्कैन करवाना। अभी हम अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप इसको रजिस्टर्ड करके अपना लॉगिन क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर नीचे जो आपको एक छोटा सा मॉनिटर का आइकॉन नजर आ रहा है वहां पर आप क्लिक करके इसको लोकल लॉगिन भी कर सकते हो। नीचे मॉनिटर के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर राइट टॉप राइट कॉर्नर पर जो प्लस का साइन नजर आ रहा है वहां पर आपने क्लिक करना है और ये अभी कुछ डिवाइसेज मेरे ऑलरेडी ऐड है वो शो हो रही होंगी। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डिवाइस नेम देना है, वो आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आप अपनी शॉप का, अगर आपके शॉप है तो शॉप लिख सकते हो, ऑफिस का नाम लिख सकते हो या होम लिख सकते हो। उसके बाद आपने नीचे QR कोड जो है उसके साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपने मोबाइल के कैमरा से अपने DVR की स्क्रीन पर जो सीरियल नंबर का QR कोड है उसको स्कैन करवाना है। जैसे ही आप इस सीरियल नंबर वाले कोड QR कोड को स्कैन करवाओगे तो इस डिवाइस का जो सीरियल नंबर है वो आपकी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
जैसे ही आपका DVR ऑनलाइन होगा, उसका आइकॉन जो है वो ब्लू कलर का नजर आएगा आपको। अब उस पर क्लिक करोगे और कैमरा वन पर मैंने कभी क्लिक किया है तो हमारे कैमरा जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग का टाइम जो है ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये कनेक्टिंग जल्दी हो जाएगी, नहीं तो आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलती है जैसा कि 1, 4, 9, इस तरह आप डिफरेंट कैमराज जो है वो एक साथ भी शो करवा सकते हैं। अभी मैंने 4 पर क्लिक किया है तो इस तरह हमारे चारों कैमरा जो है वो एक ही स्क्रीन पर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग में जो है वो थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी इस DVR पर जो है वो दो कैमराज ऑन है तो हमें दो कैमराज का डिस्प्ले जो है वो मोबाइल पर आ रहा है और बाकी दो कैमराज जो है वो ब्लैंक शो हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह हम इजीली जो है वो XML एप्लीकेशन पर अपने कैमराज जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं और DVR की स्क्रीन पर आपने इसको जस्ट नेक्स्ट करके जो है वो ओके कर देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।